नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। उत्तर प्रदेश के बलिया में आए योगी के खाद्य रसद और आयुष मंत्री दया शंकर मिश्र दयालु ने राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने के फैसले पर दिया बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली से नवाजते रहे हैं। कांग्रेस कानून का सम्मान नहीं करती। कांग्रेस की बोली और भाषा पर नियंत्रण नहीं है। कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए देश ने संज्ञान लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के महान नेताओं में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकप्रिय नेता की संज्ञा भारत खुद नहीं देता। दुनिया के दूसरे देशों से मोदी जी को मिलती है लोकप्रिय नेता की संज्ञा। पेश है बलिया से नवल जी की खास रिपोर्ट। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब जेल भेजने के लिए बीजेपी तुली हुई है, जेल भेज कर डरवाना चाहती है। उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? अगर उन्होंने गलती किया होगा तो जेल जाने का भय उनको सता रहा है। वरुणा कॉरिडोर में जांच चल रही है, न जाने कितने घोटाले उस दौर में हुए, उनकी जांच चल रही है। परिणाम उनको हो सकता आने वाले कल का, समाज में वो अपने खिलाफ एक वातावरण तैयार करने के पीछे 2024 के पहले एक भूमिका तैयार कर रहे हैं। और अगर कोई जेल तभी जाएगा जब उसने कोई अपराध किया हो और अपराध सिद्ध हो रहा हो तभी जेल जाएगा, वरना कहने से कोई जेल नहीं। क्या कारण है?